के बारे में आपको बता दूं, जितने वाटरफॉल्स आपको यहाँ मिलेंगे ना मुक्सर में कहीं भी नहीं है हिमाचल में भाई। कौन जाएगा? हाँ ये जाएगी। तो भाई अपना गैंग पूरा रेडी है, ये देख लो। हेलो गाइस, क्या सारे भाई रेडी है? हाँ ये दो चार हैं लेडीज से ज्यादा टाइम लगाते हैं। तो अपन अभी निकल रहे हैं मुनस्ट्री के लिए, यहाँ का जो स्पिरिचुअल और कल्चरल इवेंट है उसको देखेंगे और समझेंगे, और आपको भी दिखाते हैं कि कैसा है यहाँ का कल्चरल इवेंट और मुनस्ट्री है, क्या मान्यता होती है उसको और क्यों लोग जाते हैं, मतलब जो भी चीज़ है मैं भी अनजान हूँ। कैसा लग रहा अभी तक का एक्सपीरियंस? कैसा है? इट्स अमेजिंग, इट्स समथिंग न्यू वी आर एक्सपीरियंसिंग। ऐसा कभी वेलकम हमने देखा नहीं था। यार वेलकम डन वेरी लाइक जैसे पुराने जमाने में करते थे ना, वैसे ही उन्होंने बिल्कुल हमारा ट्रेडिशनल वेलकम किया है। और ये बात सच है भाई, हिमाचल वालों की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है भाई, कमाल है भाई साहब, एकदम बेमिसाल है। देखो क्या स्मार्ट बना दिया, गजब टोपी बाज निकले भैया। चलो चलो देख लो भाई, ठग लाइफ एचआर बार वाले कहीं भी पहुंच जाते हैं देख लो। तो भाई अभी आए हम मोनेस्ट्री, तीलिंग मोनेस्ट्री है ये। तो भाई इस मोनेस्ट्री की हाइट बताऊं कितनी है? हाइट बताता क्या दिखाता ही हूँ भाई, नेक्स्ट लेवल। हमें मतलब आधा घंटा तो ढूंढने में लग गया क्योंकि काफ़ी ऑफ रोडिंग वाला रास्ता था। तो अभी जिस हाइट पर हम ना, वो ये हाइट है भाई। इसकी हाइट ना आप यहाँ से मेजर कर सकते हो कि ये जो हमारी अटल टनल है उसका नॉर्थ गेट है, जो मतलब आप सीसू की तरफ आओगे तो ये अभी हमारे यहाँ से इतना दूर तो है। सोचो हम कितनी हाइट पे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो हम कितनी हाइट पे हैं। तो कुछ यहाँ पे एक कल्चरल इवेंट है जिसके लिए हम लोगों को बुलाया गया, तो चलते हैं उसको अटेंड करते हैं और देखते हैं उसके बाद दूसरे नज़ारे की पहुँचे। मतलब हम थोड़ा आपकी इस कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं। और पहले पहले यहाँ लाहौल में, ये मैं उधर की बात कर रहा हूँ, केलंग साइड में दो गुरुजी थे, एक का नाम नुरगुरी मोचे, नुरगुरी मोचे, और दूसरा उंगर मोचे। उस समय हमारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई, चेचक बोलते एक रोग होता है ना, उसका प्रॉब्लम बहुत हुआ यहाँ पर। फिर उसके लिए यहाँ पर गांव वालों ने बहुत दवाई की, डॉक्टर को वो किया, सब वो सब का करके ना, बाद में वो बीमारी ठीक नहीं हुआ। फिर उस समय वो गुरुजी तुलजू लिंगबा, इस ओलिन से तुलजू लिंगबा जो पांगी में थे, वो जा रहा था रिवालसर, रिवालसर दर्शन करने जा रहा था। उस समय फिर हमारे को यहाँ बुजुर्गों को पता चला, फिर उस समय वो तिप्ती लामा को यहाँ पर बुलाया, मतलब उसका यहाँ गांव वाले का प्रॉब्लम बताया, ऐसा ऐसा बीमारी हो गया, सबको फोड़ा वगैरह चेचक होके उसका दवाई बहुत की। कई बड़े बड़े गुरुजी के वहाँ गए, किसी सब ने पूजा पाठ बहुत किया। बाद में ही सोलिन तुलजू लिंगपा जो मिला उसको रिवालसर से बुलाया गया, फिर उसी ने यहाँ पर बहुत पूजा किया, पूजा पाठ की, फिर सतुबा बनाया, फिर उसके बाद जो हमारे तेलिंग में जो बीमारी था वो ख़त्म हो गया। फिर हमारे यहाँ लाहौल में ज़्यादातर बुद्धिज़्म को मानता है, बस बुद्धिज़्म को फॉलो करता है। ये जो लाहौल स्पीति है या लेह है जहाँ पे मोनेस्ट्री देखी जाती है, तो ये सब एक ही मतलब उसको धर्म को फॉलो करते हैं? लेह सब सब बुद्धिज़्म फॉलो करने वाला है। फिर बुद्धिज़्म में फिर अपना थोड़ा बहुत फर्क होता है, थोड़ा थोड़ा हमारा। हाँ जी, हमारा हम जो है यहाँ पर निगमापा का जो संप्रदाय उसको फॉलो करते हैं। फिर लद्दाख में है गेलुक बोल के होता है, काजुक बोल के होता है तो बुद्धिज़्म का पार्ट ही है, सब बुद्धिज़्म का पार्ट है। फिर थोड़ा थोड़ा धर्म करने का स्टाइल और पूजा करने का विधि थोड़ा थोड़ा वो अलग अलग। हाँ जी, ऐसे ऐसे ही है, संक्षेप में इतना कह सकता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे लिए टाइम दिया। मुक्सर के बारे में आपको बता दूं, जितने वाटरफॉल्स आपको यहाँ मिलेंगे ना मुक्सर में कहीं भी नहीं है हिमाचल में भाई। कंटेंट रिकॉर्ड करना गाइस इतना इजी नहीं है, और कुछ
नॉट फिजिकली फिट। तो भाई अभी ऊपर तक जाना पूरा, यहाँ से आया देखने में काफ़ी कम लग रहा होगा। इस वाटरफॉल को एंजॉय करना है, इसके क्लिप निकालने हैं, तो हमें ऑल द वे ऊपर जाना पड़ेगा। तो जा रहे हैं वहाँ जाके कुछ ड्रोन शॉट्स, कुछ सिनेमेटिक शॉट्स वो लेते हैं और दिखाते हैं। भाई इतनी मेहनत करने के बाद तुम्हारा भाई ऊपर आया ना, तो व्यू मिला भाई, पैसे वसूल हुए हैं, चेक करो। एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा, क्योंकि भैया का कोई रील नहीं बनाने वाला ना, भैया सबकी रील बनाते हैं। हमारी जो आर्ट आप हमारी जो आर्ट रील हमारे पास है ना वाटरफॉल की, वो आप सोच भी नहीं। अरे वो तो बात अलग है, जो आप हमारी आर्ट देखोगे ना इंस्टाग्राम में, उसके पीछे आर्टिस्ट यही होंगे। भैया अगर नहीं फॉलो किया तो अभी फटाफट यू भैया को भी फॉलो करो और मेरे को इंस्टाग्राम पे डिस्क्रिप्शन अरे डाल देंगे जी। किसी भी ट्रैक पे जाते हैं ना, उसको क्लाइम करना थोड़ा सा ईजी होता है, मतलब ईजी नहीं है, लेकिन जितना चढ़ने में मुश्किल होती है उतरने में उससे थोड़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। और हमारी टीम के तो कुछ मेम्बर प्रो हैं कंटेंट के लिए, तो वो तो बहुत ज़्यादा आगे चले गए, दिख ही नहीं रहे, शायद केदारनाथ है क्या आगे। तो भाई ये सफ़र यहीं पे ख़त्म करते हैं, देखते हैं अगर मन बचा तो भाई क्या कहते हैं दूसरा वाटरफॉल चलोगे। मेरा तो मन नहीं है। सही है भाई का मन नहीं है तो हम चलते हैं एक। मेरा मन नहीं, क्यों बताऊँ, क्योंकि वाटरफॉल वाटरफॉल ही है ये तो है। अब यार एक ही कपड़ों में कितने वाटरफॉल देखे, वही चीज़ है, एक ही कपड़ों में कितने वाटरफॉल खींचोगे यार। चलो मेरे हिसाब से ना, जब भी पहाड़ आओ ना, तो आप दो तीन डेस्टिनेशन फिक्स करके रखो कि भाई ये तीन डेस्टिनेशन है, उनको प्रॉपर इंजॉय करो। बट ऐसा नहीं यहाँ गए वहाँ गए वहाँ गए खत्म कर दिए, ये बेकार हो जाता है। और दो तीन डेस्टिनेशन के हिसाब से अलग अलग कपड़े भी लेके आओ। तो भाई कपड़े लाओ वाइब्रेंट एकदम चमक धमक वाले, चमक वाले ऑरेंज ये वापस चल रहे हैं, नियॉन कलर का हुडी पड़ी है इसकी चीज़ है। तो भाई अभी वापस चल रहे हैं, देखते हैं सुबह 4 बजे उठे हैं 5 बजे के, तो अभी तो हिम 4 बजे हिम्मत नहीं है, अभी तो कोई सिस्टम नहीं है, अभी तो सिक्योरिटी बांध लीजिए जनता की, क्योंकि हम चली लौंडा खड़ा तुम्हारे सामने, क्योंकि हम लोग फिर से निकल रहे हैं एक और वाटरफॉल के लिए। या पड़ गई यार वाटरफॉल जा रहे हैं, पड़ गई। हाँ भाई क्या करें, बट आए हैं अब एक्सप्लोर तो करेंगे, कई बार तो पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ तो देख के जाएंगे। बॉडीगार्ड्स फॉलो मी, आ गया हमारा एक मेन बॉडीगार्ड, ये देखो ये देखो। अगर कोई अच्छे शॉट्स चाहिए वाटरफॉल जाना है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी भैया, क्यों भाई सही है ना। लो भाई दर्शन कर लो दूसरे वाटरफॉल के, क्योंकि हमारी औकात यहीं तक थी पहुंचने की, इसके आगे का हमारा शरीर साथ नहीं देता। वैसे तो वाटरफॉल हो रहा ऊपर। हाँ भाई कैसा रहा, किसी को सलाह देगा आगे से जाने की, डिफिकल्ट है, कैंसिल करो गाइस। वो तो घर को आए भाई, बैक टू होमस्टे, और इस होमस्टे का एक डिटेल वीडियो अलग से दिखाऊंगा कि क्या फैसिलिटी है यहाँ पे और कैसे हमारा एक्सपीरियंस रहा, वो शेयर करूँगा जेन्युइन एक्सपीरियंस। तो आज का दिन का तो बस यही था, अब एक शाम को तिब्बतन स्क्रीनिंग होनी है, वो आपको दूसरे ब्लॉग के साथ उसके साथ दिखाऊँगा। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, पहुँच गए थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट करेंगे, अभी खाएंगे पियेंगे इन्जॉय करेंगे, क्योंकि आज ही दिन है जब हम रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 दिन से हमने रेस्ट नहीं किया बिल्कुल भी।